वेलकम बैक टू द बीआर स्टॉपर एंड इस वीडियो में आज हमने बीए 6 सेमेस्टर का प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का वर्क स्टार्ट करना है और आपके सिलेबस में बेसिकली मैप प्रोजेक्शंस हैं एंड ये क्योंकि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर है ये, तो इसमें हमने मैप प्रोजेक्शंस का मीनिंग समझना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ मैप प्रोजेक्शन? अब देखिए, अर्थ की शेप आप सबको पता है कि एक रफली हम कह सकते हैं कि ये स्फीयर है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं। अब देखो, इमेजिनरी को याद रखना कि इमेजिन की हुई हैं, ठीक है, कोई एग्जैक्ट लाइंस नहीं है। लोकेशन को डिफाइन करने के लिए एक कुछ जो लाइंस हम इमेजिन करते हैं, लैटिट्यूड की लाइंस और लॉन्गिट्यूड की लाइंस होती हैं, ठीक है, जिनको जो कि एंगुलर डिस्टेंसेस हैं जिससे हम लोकेशंस को मेजर करते हैं अर्थ के ऊपर। फाइन, तो लैटिट्यूड की लाइंस, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं लैटिट्यूड, एंड वर्टिकल जो हैं ये लॉन्गिट्यूड की लाइंस हैं। तो ये ग्रिड पैटर्न बना हुआ है अर्थ के ऊपर जो कि हमने इमेजिन किया है और लोकेशंस को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी इज़ ऑल अबाउट लोकेशंस और लोकेशंस हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, अब मैप प्रोजेक्शन क्या है? क्योंकि अर्थ एक स्फीयर है, ये ना एक नॉन डेवलपेबल सरफेस है। अब इस स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर को जब हमें एक फ्लैट पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो उसका जो एक ऑर्डरली और सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन है लैटिट्यूड्स का और लॉन्गिट्यूड्स का, तो अर्थ के ऊपर इस स्फीयर के ऊपर ये जो लॉन्गिट्यूड्स की लाइंस हैं और कुछ लैटिट्यूड की लाइंस हैं, इनके अकॉर्डिंग जब हम एक फ्लैट पेपर के ऊपर या क्लॉथ के ऊपर, किसी भी फ्लैट शीट के ऊपर जब हम इस स्फेरिकल अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं स्केल के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्केल याद रखना है, एक डेफिनेट चोजन स्केल के अकॉर्डिंग जब हम रिप्रेजेंट करते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को, तो उसको हम कहते हैं मैप प्रोजेक्शन। फाइन, सो मैप प्रोजेक्शन रेफर्स टू एन ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन, और किसका रिप्रेजेंटेशन? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड का। तो ये जो लैटिट्यूड के पैरेलल्स हैं और लॉन्गिट्यूड के मेरिडियंस हैं, इनको, ये स्फेरिकल अर्थ के ऊपर है, अर्थ स्फेरिकल है उसके ऊपर ही ये होते हैं, और इस स्फेरिकल शेप के ऊपर ये जो लाइंस हैं इनको जब हम फ्लैट शीट ऑफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डरली और एक सिस्टमेटिक मैनर में, उसको हम कहते हैं मैप प्रोजेक्शन। और ये जो मैप प्रोजेक्शंस होती हैं ये एक डेफिनेट चोजन स्केल के अकॉर्डिंगली बनाई जाती हैं। ठीक है, सो मैप की डेफिनेशन से काफ़ी सिमिलर है मैप प्रोजेक्शन की भी डेफिनेशन, बिकॉज जितने भी मैप्स हैं वो किसी ना किसी प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। क्लियर? नाउ सी व्हाट इज़ द नीड ऑफ अ मैप प्रोजेक्शन, मैप प्रोजेक्शन की हमें ज़रूरत क्यों है? अब देखो, ग्लोब जो है ना, ये ट्रू मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का। ग्लोब इज़ अ ट्रू मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ, क्योंकि ग्लोब क्या है, अर्थ का ही एक सिमिलर वे में, जैसे सेम जैसे अर्थ होती है, अर्थ हमारा प्लैनेट है, उसको एक छोटे साइज का हमने रिप्रेजेंट किया है, जैसी बॉल लाइक स्ट्रक्चर हमारे अर्थ का है उसी तरह का ग्लोब होता है। ठीक है, आई होप आपने देखा है ग्लोब किस तरह का होता है। तो ग्लोब ट्रू मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का, सेम जैसे अर्थ है वैसा ही ग्लोब होता है, लेकिन मिनिएचर फॉर्म में होता है, छोटा होता है। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं कि एक तो ये स्फेरिकल शेप होती है ग्लोब की, जो कि नॉन डेवलपेबल सरफेस होता है। नॉन डेवलपेबल और डेवलपेबल में फ़र्क ये होता है, डेवलपेबल सरफेस होता है जैसे सिलेंडर, सिलेंडर इस तरह का होता है, सिलेंडर ये जो शेप है ना, अगर हम इसको खोलेंगे बीच में से, इसको यहाँ से टीयर कर दिया हमने, पेपर को खोल दिया, तो ये एक फ्लैट सरफेस बनेगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ग्लोब को हम किसी भी तरह इस तरह से नहीं खोल सकते कि ये फ्लैट शीट ऑफ पेपर बन जाए, दैट इज़ वाई ये नॉन डेवलपेबल सरफेस है। और जो भी इस तरह की शेप्स होती हैं, जैसे कोन, कोन को भी अगर हम एक साइड से कट करके खोल दें तो वो पेपर बन जाएगा, ठीक है, फ्लैट शीट बन जाएगी, तो वो होते हैं डेवलपेबल सरफेस। तो कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, ये सब डेवलपेबल सरफेस हैं, जबकि ग्लोब एक स्फेयर है, ये नॉन डेवलपेबल सरफेस है। ठीक है, तो अब ये जो नॉन डेवलपेबल सरफेस है ग्लोब की, स्फेरिकल शेप, इसको जब हमें एक फ्लैट शीट ऑफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है तो हमें मैप प्रोजेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट यहाँ से, अगर हमने इसको कट कर दिया तो इसको खोलेंगे तो ये कोई फ्लैट शीट ऑफ पेपर नहीं बनेगा, विदाउट मैप प्रोजेक्शन ये नहीं बनेगा। इसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस करके इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और वही कैलकुलेशंस जो हैं, लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, वो सब हमारा मैप प्रोजेक्शन कहलाता है। द नीड ऑफ ए मैप प्रोजेक्शन मेनली अराइजेस टू हैव अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ अ रीजन एज वेल एज टू कंपेयर टू नेचुरल रीजन्स। अब देखो, इसमें क्या है, ग्लोब की एक लिमिटेशन होती है कि इससे ना हम एक जगह पे
जैसे हम सामने से देख रहे हैं, अब हमें यहाँ से ये ग्लोब दिखाई दे रहा है, तो लेकिन इसके पीछे क्या है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। उसके लिए हमें ग्लोब को घुमाना पड़ेगा, और जब घुमाएंगे तो हमें फिर ये वाला हिस्सा छुप जाएगा, ठीक है। तो हमें एक साइड, एक बार में एक ही साइड दिखाई देती है ग्लोब की, पूरा वर्ल्ड हम एक बार में नहीं देख सकते। अगर हम घुमाएंगे तो फिर दूसरा हिस्सा पीछे हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर इसकी बात करें हम, यहाँ पे जो ग्लोब है, यहाँ पे आपको एशिया वाला पार्ट दिख रहा है और ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, लेकिन आपको अफ्रीका नहीं दिख रहा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये कॉन्टिनेंट्स हमें नहीं दिखाई दे रहे इस पर, ठीक है। तो हम एक बार में इसको नहीं देख सकते वर्ल्ड को ग्लोब के ऊपर, जबकि मैप के ऊपर हम सारे वर्ल्ड को एक ही बार में देख सकते हैं। दो नेचुरल रीजन्स को हम कंपेयर कर सकते हैं मैप में, एंड मेनली मैप प्रोजेक्शंस का यूज़ कंपेयर करने के लिए ही होता है। जब हम दो रीजन्स को कंपेयर करते हैं, इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है, तो इस तरह की कंपैरेटिव स्टडी जब हम करते हैं तो हमें मैप प्रोजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। फाइन, नाउ आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ येस, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ़ यू।